बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लेकर आते हैं, उनसे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं और साथ ही विषय के बारे में विस्तृत जानकारी भी देते हैं। आज किन विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही लेंगे आपके सवाल, आइए नजर डालते हैं आज के हेलो किसान के विषय पर। तो आज के विषय के बारे में आपको बता दें, पहला विषय है ग्रीष्मकालीन मूंग व उड़द की बुआई और किसान उत्पादक संगठन पर हम बात करेंगे। इनसे जुड़े हुए अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-1130-60। दूसरा नंबर है 1800-1130-60, टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 8800-520-7177, यानी इस पर आप अपने टेक्स्ट सवाल भी भेज सकते हैं, इसके अलावा वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। अब आप हमारा ईमेल पता नोट कर लें, हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, यानी आप अपने सवाल इस पर कार्यक्रम के साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। यानी आप चाहे ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, सभी सवाल हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ बुनियादी बातों का आप ध्यान रखें, इसकी हम आपसे उम्मीद करते हैं। पहली बात तो ये, जब भी आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें तो ऐसी जगह से करें जहाँ पर पूरा नेटवर्क हो और किसी तरह की बातचीत में व्यवधान ना हो, यानी शोर ना हो। व्हाट्सएप करते हुए अपनी बातों को कम शब्दों में लिखें और अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर उसमें बताएं, अपना नाम बताएं और इसी तरीके से ईमेल में भी। तो चलिए, आज के जो हमारे दो मेहमान हैं जो कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे अगले एक घंटे तक, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आज का जो हमारा पहला विषय है यानी ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुवाई, उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे वो आप लेंगे। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। और साथ ही हमारे दूसरे मेहमान जो है वो हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जय प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, निदेशक कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान जोधपुर राजस्थान से। सर, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर जय प्रकाश मिश्रा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सर, स्वागत है कार्यक्रम में। सर, आज हम आपसे बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन पर। बहुत बहुत अच्छा विषय है किसान उत्पादन संगठन। तो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जी योजना की है और बहुत बड़ा अभियान भी है। तो इसमें अभी संप्रति जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का एक लक्ष्य रखा गया था पिछले योजना में, उस पर काफी काम हुआ है और नाबार्ड जी 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 बिल्कुल सर, तो इस पर हम बात करेंगे। तो आज हमारा जो पहला विषय है वो ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई, तो आइए उस पर हम कुछ बातचीत भी करते हैं, साथ ही से जुड़ी रिपोर्ट भी दिखाएंगे और उसके बाद हम किसान उत्पादक संगठन पर बात करेंगे। डॉक्टर दिनेश, जो हम ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई की बात कर रहे हैं, तो उड़द फसलों की, अगर मूंग और उड़द फसलों की बात करें तो इस वक्त किस जो फसल चक्र के अंतर्गत इन्हें इनकी बुआई की जाती है? जी, अब समय आ गया किसान भाइयों जब आपके जो रबी की फसलें हैं उनकी कटाई शुरू हो जाएगी। जैसे आपके चने की फसल है, मूंग की फसल, लेंटिल है आपकी, मसूर है, या इसके अलावा गेहूं की कटाई होगी, आलू की खुदाई होगी, जो रबी कालीन फसलें हैं उनकी आप कटाई अब शुरू कर देंगे धीरे धीरे। यानी 10-15 अप्रैल तक ज़्यादातर जो हमारी रबी की फसलें हैं वो कट जाएंगी। इसके बाद हमारे खेत खाली हो जाते हैं और मोटे तौर पर 70-80 दिन का समय किसानों को मिलता है।
उस बीच जो खेत हमारे खाली पड़े रहते हैं उसमें हम उड़द या मूंग या उड़द या मूंग की फसलें उगा सकते हैं। इसके हमारे बहुत सारे फायदे होंगे क्योंकि हमें आमदनी इससे अच्छी मिलती है और लागत इसमें कम आती है, साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता भी इन फसलों से बढ़ती है जिससे आपकी जो अगली फसल है उसको अच्छी पैदावार उसकी आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि एक तो हमारे किसानों को जो समय खाली है खेत वो समय बर्बाद नहीं जाता, उससे भी कुछ ना कुछ उनकी आय होगी अगर इस तरह की जो दलहनी फसलें हैं वो अगर खेतों में उगाते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, आप इतने जितना समय आपका खेत खाली है उतने में इसमें तैयार भी कर सकते हैं, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी इससे बेहतर होती है जैसा कि डॉक्टर दिनेश जी का कहना है। आइए हम देखते हैं मूंग और उर्द की बुआई से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। इस समय दलहनी फसल मूंग और उड़द की बुआई की जा सकती है। गर्मियों की मूंग की बुआई 15 अप्रैल तक कर दें। बीज की बुआई सीड ड्रिल या कुंडों से पंक्तियों में करें। बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। गर्मियों वाली मूंग की अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छी किस्मों का चयन करें। किसान मूंग की पूसा विशाल, पूसा 14-31, पूसा 13-71, पूसा 95-31, पूसा रत्ना और पूसा 0672 किस्मों की बुआई कर सकते हैं। इनके अलावा किसान मूंग की SML 1115, MH 318 और MH 421 किस्में भी लगा सकते हैं। ये किस्में 65 से 80 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। उपज की बात करें तो गर्मियों की मूंग की औसत उपज 8.14 प्रति क्विंटल हेक्टेयर मिल जाती है। उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच के आधार पर ही करें। मूंग की फसल के लिए 15 से 20 किलो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो फॉस्फोरस, 40 किलो पोटाश और 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय कुंडों में देना चाहिए। इस समय की मूंग की फसल करीब 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाती है। वहीं अगर गर्मियों की उड़द बोने की बात करें तो किसान उड़द की उन्नत किस्मों जैसे PDU-1 बसंत बहार, IPU-94-1 उत्तरा, पंत उड़द 30, पंत उड़द 31, पंत उड़द 35 और LU-391 किस्में लगा सकते हैं। ये किस्में 65 से 80 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। मूंग और उड़द की फसल में पानी की कम जरूरत होती है। गर्मियों की मूंग और उड़द की फसल के अच्छे विकास के लिए 3 से 4 सिंचाइयां जरूरी होती हैं। जरूरत के बिना सिंचाई करने पर पौधों की वानस्पतिक बढ़वार ज्यादा हो जाती है जिसका उपज पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में सिंचाई जरूरत के हिसाब से और हल्की करें। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी उड़द और साथ ही मूंग पर, हमने अभी रिपोर्ट आपको दिखाई ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई पर हम बात कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप हमें बेझिझक फ़ोन करें, हमारा टोल फ्री नंबर आप जानते हैं, स्क्रीन पर भी हम साथ ही साथ फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं, इसके साथ ही आप हमें ईमेल भी करें। सभी सवाल हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे और अपने विशेषज्ञों के समक्ष रखेंगे। अब सर, अब मूंग और उड़द की फसलों की बुआई की हम बात कर लेते हैं, तो ग्रीष्मकाल में बुआई का जो सही समय क्या है? जैसे आपने बताया अभी कि अभी खेत खाली हो जाएगा तो दोनों ही फसलों को कब तक बो लेना चाहिए? बुआई का उपयुक्त समय किसान भाई अब चल रहा है। जैसे आपकी सरसों की फसल कट गई, मैंने बताया था आलू की खुदाई आपने कर ली हो या कोई भी आपकी रबी की फसल हो, वो अगर आपकी कट गई है पक चुकी है तो तुरंत उसमें आप बुआई कर दें मूंग की या उड़द की, क्योंकि समय अब आ रहा है नज़दीक और ये 15 अप्रैल तक आप कोशिश करें कि इन फसलों की आप बुआई कर दें। हद से हद आप 20 अप्रैल तक भी जा सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको कोशिश करना है कि इस फसल की बुआई कर लें। और कई बार ऐसा भी होता है कि पलेवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, हालांकि गर्मी का मौसम है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस खेत में आपको उड़द या मूंग लेनी है
तो पहले से ही उसमें एक हल्का पानी लगा दें, जिससे कटाई के तुरंत बाद आप उस खेत की जुताई कर सकते हैं और उसमें ठीक ठाक नमी रहेगी और फिर आप उसमें बुआई कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है बिना जुताई के भी, बिना खेत तैयार किए भी आप मूंग या उड़द की बुआई कर सकते हैं, उससे आपका समय बचेगा और साथ ही साथ जो जुताई का खर्चा है वो भी आपका बचेगा। तो इस तरह से आपको मूंग या उड़द की ग्रीष्मकाल में खेती करनी है। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि कैसे आप समय की बचत भी कर सकते हैं और अच्छी फसलें भी खेतों में लगा सकते हैं। आगे मैं बात करूंगी डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा जी से। सर हमें सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमसे बात नहीं हो पा रही उनकी, फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप दर्शकों से हम यही कहेंगे आप हमें देख रहे हैं तो ज़रूर हमें कॉल करें, मूंग उड़द के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही हम आज दूसरे विषय पर भी बात करें, किसान उत्पादक संगठन पर भी, यानी किसान उत्पादक संगठन से जुड़ा हुआ भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो भी आप हमें ज़रूर बताएँ। किसान उत्पादक संगठन हमारे आज के समय में छोटे और मझोले किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कैसे, आइए इसके बारे में हम जानते हैं डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा जी से। डॉक्टर मिश्रा क्या कहना चाहेंगे किसान उत्पादक संगठन के लिए, कैसे आज के समय की मांग है? क्योंकि भारतीय कृषि में 86% से ज्यादा सीमांत और लघु कृषक है, तो उनकी अपनी इंडिविजुअल जो उत्पाद होता है उसका ना तो एक साइज होता है कि वो मार्केट में एंटर कर पाए और ना ही उसमें वो क्वालिटी कोई इंटरवेंशन अकेले पे कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उत्पादक संघ का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न स्तर पर शायद हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से डॉक्टर मिश्रा आपसे संपर्क करेंगे और ज़रूर जो किसान उत्पादक संगठन की हम बात कर रहे हैं उस पर और विस्तार से आपसे जानेंगे। किसान उत्पादक संगठन, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, ख़ासतौर पर जैसे अब धीरे धीरे जोत छोटी होती जा रही है, ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान संगठित हों और एक FPO के माध्यम से वो संगठित हो सकते हैं। नई तकनीक हो, सरकार की योजनाओं की बात हो, वो और बेहतर तरीके से इन किसानों तक पहुँचती है। साथ ही साथ ये किसान संगठित होकर किसी नई तरह की फसल का अगर चुनाव करना चाहते हैं, या फिर जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारी ऐसी नई नई मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन छोटी जोत होने की वजह से या फिर छोटा किसान होने की वजह से वो चीज़ें उन तक पहुँच नहीं पाती थी, लेकिन FPO के माध्यम से ये सभी सुविधाएँ हर किसान तक संभव हो पा रही हैं। आइए देखते हैं किसान उत्पादक संगठन पर हमारी रिपोर्ट। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है, कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसे वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। FPO सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि किसानों के फायदे के लिए बनी एक सामूहिक संस्था है। किसान चाहें तो समूह बनाकर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कर FPO तैयार कर सकते हैं। खेती करने वाले किसान व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में समान विचार रखने वाले किसान और एक या एक से अधिक गांवों के किसान मिलकर इस तरह के समूह को खुद तैयार कर सकते हैं। हालांकि वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए FPO का कंपनी कानून 2013 या राज्य सहकारी समिति कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी है। FPO को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने FPO को छोड़कर हर एक FPO में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने FPO में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। फायदों की बात करें तो FPO के बहुत से फायदे हैं, जैसे खेती को टिकाऊ बनाने, आजीविका को बढ़ावा देने, खेती पर निर्भर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में FPO महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। FPO छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने, परिवहन लागत कम करने
और पूर्ण उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो भी आपने एफपीओ पर रिपोर्ट देखी, आइए बात करते हैं। डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। डॉक्टर मिश्रा मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी सर, हम एफपीओ के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि आपने भी कहा कि छोटे और जो हमारे सीमांत किसान हैं जिनके पास भूमि कम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, कैसे? देखिए, मैंने बताया कि इंडिविजुअल किसान जो छोटा है, मझोला किस्म का किसान है, उसके पास अब का जो आकार होता है वो इतना छोटा होता है कि इंडिविजुअल जब वो बाजार में जाएगा तो उसको अच्छे मूल्य के लिए जो जिस तरह की बातें नहीं कह सकती होनी चाहिए वो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की एक अवधारणा ली जिसमें 1,000 किसानों का और मुख्य है कि किसान अपने जो ये किसी कमोडिटी के लिए उसका उत्पादन करे तो फिर एक एक जगह पे उसका एग्रीगेशन हो, उसकी अच्छी तरह से प्रोसेसिंग हो और उसको फिर फॉरवर्ड लिंकेज में जो मार्केटिंग के जो उसके एफपीओ का तो एक साधन है उसके जो सीईओ के माध्यम से या डायरेक्टर के माध्यम से वो कंसर्न मार्केटिंग के चैनल में उससे वो जुड़े और फिर उसको अच्छी उत्पाद की कीमत मिले। दूसरा जो इसका एडवांटेज है ये है कि बैकवर्ड लिंकेज में किसान के लिए इकट्ठा कोई भी उर्वरक या बाजार से या एजेंसी से खरीदेंगे तो दो चीजों का फायदा होता है। एक तो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, जी जी। दूसरा क्योंकि साइज उसका जो इकोनॉमी ऑफ स्केल जिससे भी आप खरीद रहे हैं वो एक बहुत अच्छा साइज होता है तो उसमें प्राइस भी जो पर यूनिट प्राइस होता है वो भी कम होता है। तो एफपीओ के माध्यम से कॉस्ट रिडक्शन में फायदा होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी फायदा होता है। तो इसी अवधारणा को लेके सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। नाबार्ड उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और जो हमारा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्सियम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के तत्वाधान में काम कर रहा है उसका उसमें अग्रणी का है। तो इस तरह अभी तक लगभग काफी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही उन्नत स्टेज पे काम कर रहे हैं, जैसे अनार के क्षेत्र में राजस्थान में और महाराष्ट्र में कई इस तरह के एफपीओ काम करते हैं। सत्री का नाम आप सबको सुना है कि वो नासिक का जो एफपीओ है वो उसका टर्नओवर तो करीब 50% होता है। अभी अजमेर में जहाँ मैं राजस्थान बैठा हूँ अजमेर में पुष्कर वाला करके एफपीओ का गठन हुआ है जो गुलाब के पंक्तियों से गुलाब से गुलाब जल गुलाब कंद गुटकंद इस तरह का प्रोड्यूस बना रहा है और उसका भी एनुअल टर्नओवर करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा हो गया। अच्छा। तो बहुत ही अच्छी मुहिम सरकार ने शुरू की है जी। और किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। बिल्कुल, तो किसानों को बहुत लाभ हो रहा है और आपने बताया भी कि किस तरह के एफपीओ अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और एफपीओ का मुख्य मकसद भी यही है कि किसान जो छोटे किसान हैं उन तक जो सरकार की सभी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचे, नई तकनीक तक उनकी पहुंच हो और उनकी आय में वृद्धि हो और सक्षम हो और ये होता हुआ दिखाई भी दे रहा है जिसके बारे में भी डॉक्टर मिश्रा ने भी जिक्र किया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें लोग किसान। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं मूंग और उर्द की खेती के बारे में, बुआई के बारे में, और साथ ही किसान उत्पादक संगठन पर भी हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी सर, सवाल बताएं अपना। नमस्कार, मैं जानना चाहिए उड़द की खेती करने के लिए ऐसे कौन कौन सी चीजें हमें तैयारी करनी चाहिए। भूख की तैयारी, भूख का पौधा में बुवाई का समय, अच्छा, प्रजातियां है, बीज का उपचार है, बीज की मात्रा है, उर्वरक है, सिंचाई है, निराई गुड़ाई है, और फिर सबसे बड़ा मुख्य एक बिंदु आता है जो फसल सुरक्षा, इसमें कौन से रोग लगेंगे, कौन से उड़द में कीट लगेंगे, इससे किस प्रकार से सचेत रहे। ठीक है, बहुत सब सारे सवाल पूछ ले, बहुत कुछ आपने पूछ लिया। आपने पूरी उर्द की खेती आपने पूरी पूछ ली है, या मूंग की खेती पूरी पूछ ली है, तो जैसे कि मैंने बताया बिना जुताई के भी हम इसकी बुआई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक गहरी जुताई करें, और शुरू में आपको पानी लगाना ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बिना पानी के अंकुरण नहीं होगा। पानी लगा के पलेवा करके फिर आप खेत तैयार कर लें, उसमें एक या दो जुताई करनी पड़ेगी। फिर आपको पाटा लगा के खेत समतल कर लें। बुआई आप देसी हल से कर सकते हैं या सीड ड्रिल आती है मशीन, उससे आप बुआई कर सकते हैं। बीज दर इसकी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रहेगी, और जो बुआई की दूरी है वो आप 25 से 30 सेंटीमीटर रखें, ध्यान से सुने, 25 से 30 सेंटीमीटर, और गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर आपको रखनी होती है। बीज आप गुणवत्ता का लें और सही जगह से लें, अधिकृत जो आपका स्रोत हो वहीं से आप बीज लें, और बीज अगर उपचारित नहीं है तो बीज का आप उपचार करें। बीज उपचार के लिए आप कई दवाई आती है, थीरम आती है, जैसे थीरम और कार्बन डाजिम का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बन डाजिम, इस तरीके से प्रति किलो बीज आपको इस उपचार करना है। अगर ये दवाई आपके पास नहीं है तो आप कोई और दवाई भी, खाली बावस्टीन से भी बीज का उपचार कर सकते हैं, कैप्टान से भी बीज का उपचार कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी आया मेरे पास, व्हाट्सएप सवाल है, तो हम इसे भी शामिल कर लेते हैं। ये महेश मीणा है सवाई माधोपुर से, इन्होंने हमें ये सवाल भेजा है राजस्थान से, और ये कहते हैं मूंग के बीजों को नैनो DAP से उपचारित किया जा सकता है, क्या ये लाभदायक है, और अगर किया जा सकता है तो इसमें डोज किस प्रकार की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए अगर कर सकते हैं तो? देखिए बीज उपचार के लिए फिलहाल तो किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि आप एक तो फंजीसाइड से बीज का उपचार करें। फंजीसाइड मतलब जो हमारे जो ये फंगस को मारते हैं एक तरह से, इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया बावस्टीन है, कैप्टान है या थीरम है, इनका प्रयोग करें। इसके अलावा कई बार इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करना पड़ जाता है क्योंकि आपकी जो उर्द या मूंग की फसल है जैसे, वहाँ पे दीमक आ जाती है, तो दीमक आने की दशा में आप इमीडाक्लोपिड नाम की एक दवाई आती है, 70% में आती है, इसका 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से या 7 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको उपचारित करना है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है बीज उपचार जो किसान भाइयों को ध्यान देना है, वो राइजोबियम का टीका है। राइजोबियम के टीके का उपचार किसान भाइयों को जान लेना चाहिए। आपको करीब सिर्फ 50 ग्राम गुड़ या चीनी लेनी है, 2 ग्राम गोंद लेना है, और इसको आधा लीटर पानी, 500 ml पानी में घोल बनाकर इसको फिर गर्म कर लें, अच्छी तरह से गर्म करने के उबालने के बाद फिर इसको आप ठंडा कर लें। इसमें आप एक पैकेट जो कि 200 ग्राम का आता है राइजोबियम का, उसमें मिला दें, अच्छी तरह से पेस्ट बन जाएगा। फिर 10 किलोग्राम बीज आप लें किसी इनमें से एक फसल का, और रगड़ के उस टीके को उस पर मल दें अच्छी तरह से, और समान रूप से उस पर उसका लेपन हो जाएगा, लेपित हो जाएगा, और फिर उसको आप सुखा लें। सुखाने के बाद ये बीज आपका बुआई के लिए उपयुक्त हो जाता है। एक खास बात का ध्यान आपको ये रखना है,
अगर कवकनाशी फंजीसाइड दवाई से आपने उपचार किया है या कीड़ा मारने की दवाई से उपचार किया है इंसेक्टीसाइड से, तो वो पहले करें, चार पाँच दिन पहले करें, और इस चार पाँच दिन के बाद आपको राइजोबियम के टीके का उपचार करना है तो आपके खेत में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी। ये टीका खास करके अगर पहली बार आप उड़द या मूंग किसी खेत में ले रहे हैं, नए खेत में ले रहे हैं, तो इसका उपचार आप ज़रूर करें। जी जी बिल्कुल। अब सर एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है तो साथ साथ वो भी ले लेते हैं। और हमारे जो एक दर्शक हैं ये सतीश हैं आजमगढ़ से, और जानना चाहते हैं मूंग की किस्म जिसकी तुड़ाई नहीं करनी पड़ती हो, जो एक साथ पकती हो। देखिए ये एक समस्या आज भी है, ऐसी किस्में हर क्षेत्र के लिए या किसी क्षेत्र के लिए उपलब्ध होना एक चुनौती है। इसमें आपको क्या करना है, कम से कम दो तुड़ाई तो आपको करनी ही पड़ेंगी, मूंग हो चाहे उड़द हो, तो इसमें आपको तुड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और कई बार अगर आपको लगता है कि आपको तुड़ाई में ज़्यादा खर्चा आ रहा है, श्रमिकों की उपलब्धता नहीं है, तो जब आपको लगे कि ज़्यादातर फली आपकी पक गई हैं, जब उसमें मेन फ्लश आता है, उसमें फलियों का मुख्य उन फलियां ज़्यादातर फलियां पक जाती हैं, पकने की ओर होती हैं, उस अवस्था पर आप फसल को सीधे सीधे ज़मीन से हसिया से काट सकते हैं, या आजकल कुछ कटाई के यंत्र भी आ गए, उन यंत्रों से भी आप इसकी कटाई कर सकते हैं। जी सर एक हमारे पास सवाल आया है, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा जी के पास चलते हैं। सर ये एफपीओ से जुड़ा हुआ सवाल है, अमित झा हैं वेस्ट बंगाल से, इन्होंने हमें मांकुरा से ये सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि एफपीओ का गठन किस प्रकार से किया जाए और इसमें मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। वेस्ट बंगाल से हैं ये। बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसके लिए शाह साहब को बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो एफपीओ का जो गठन होता है वो ये जिस तरह केंद्र सरकार में एक स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्सियम है, सारे राज्यों में इस तरह की एक यूनिट एसएफएसी की है जो जिसके माध्यम से वो अपना राज्य सरकार को कृषि विभाग के थ्रू अपना आवेदन दे सकते हैं और फिर उसमें एक बार इनका एफपीओ का मेंबर कम से कम 300 मेंबर होने चाहिए। 300 मेंबर्स किसानों का अगर इन्होंने समूह बना लिया तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू ये का रजिस्ट्रेशन करा सकते और रजिस्ट्रेशन के बाद एक बार 300 मेंबर बन गया और रजिस्ट्रेशन हो गया तो इनको राज्य सरकार केंद्र सरकार की स्कीम है उसके तहत उसके पीओ को 6 लाख रुपए और उतना ही अनुदान नाबार्ड की तरफ से 6 लाख रुपए तो कुल 12 लाख रुपए का एक अनुदान मिलता है कि उसके पीओ के जो कार्यकलाप है उनको शुरू करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसमें सीईओ और डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, तो वहाँ से प्रक्रिया हो जाएगी, प्रोजेक्ट बनेगा, उसका डिटेल हो सकता है कि कुछ वेंचर कैपिटल के लिए फंडिंग की आवश्यकता हो उन करने के लिए या अपना ये अगर प्रोसेस डालनी है तो उन सब के लिए एक बहुत डिटेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए एसएफएसी भी की हेल्प होल्डिंग करती है और अवार्ड करेगा। इसके अलावा सारे राज्यों ने कुछ सीबीबीओज इस तरह आइडेंटिफाई कर रखे हैं कहाँ पे इनको इनकी कैपेसिटी जिस भी क्षेत्र में इनका एफपीओ काम करना चाहेगा, चाहे वो मछली पालन हो या कि कहीं डेयरी के क्षेत्र में या दूध के क्षेत्र में या फसल में कहीं हो सकता है कि वृक्ष की खेती के रूप में ये काम करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए वो सीबीबीओ इनके एफपीओ के जो मेंबर हैं उनको ट्रेनिंग देगा, उनको सारे सपोर्ट कराएगा, एफपीओ की जो एक्टिविटी है वो आगे बढ़ता है और अल्टीमेटली उनको एफपीओ सेल्फ सस्टेनिंग होता है। सर एक कॉलर है उनका सवाल लेते हैं, कन्हैयालाल प्रजापति जी हैं जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है, आइए बात करते हैं उनसे। जी आप कन्हैयालाल जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, सवाल बताएं। हाँ मैं बालोदा जिला से कन्हैयालाल प्रजापति।
आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक एकड़ के जमीन के अंदर में मूंग लगाना चाहता हूँ, तो किस तरीके से लगा लो अधिक तक? सर आपके लिए सवाल है जी, बिल्कुल मूंग आपको लगाना है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए पलेवा बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ आपको अभी से बीज की व्यवस्था करके रखना है, और बीज आप अपने क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त किस्म हो, गुणवत्ता वाला बीज लें। और आपका जैसे मध्य प्रदेश है, तो आपके लिए जो मूंग की अगर बात करें तो पूसा 9531 TARM1 और PDM11 और BM4 ये मूँग की किस्में हैं, और साथ ही साथ JM721 भी आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म है। बीज का उपचार करें अच्छी तरह से, और बुआई का जो बीज की दर है वो आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर प्रयोग में लाएं और 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर लगाएं। बुआई करते समय पर्याप्त मात्रा में नमी हो, अगर दीमक की समस्या हो तो आप कीटनाशी आते हैं कई तरह के, जैसे मैंने बताया था इमिडाक्लोपिड, इससे आप बीज उपचारित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बार ओर्दिया मूंग या जैसे मूंग आप ले रहे हैं तो राइजोबियम के टीके से जरूर उपचारित करें, उसकी विधि मैं बता चुका हूं। और साथ ही साथ आप आगे से जो सिंचाई प्रबंधन है और जो आपका खरपतवार प्रबंधन है वो शुरू से ही आपको लेके चलना, ध्यान में लेके चलना, जिससे खरपतवार प्रबंधन आता है तो बुआई के दिन या उससे अगले ही दिन आपको पेंडीमिथालिन नाम की दवाई का प्रयोग करना है। इसकी आप 1 लीटर या सक्रिय मात्रा, सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़के, जो करीब 3.25 लीटर आता है, यानी 3.25 जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है बाजार से आप खरीद के लाते हैं, उस 3.25 लीटर को 600 लीटर पानी में घोल बना के बुआई के दिन या उससे अगले दिन तुरंत आप उसमें छिड़क दें, तो 20-25 दिन तक आपके खेत में खरपतवार नहीं आएंगे। जी, तो इस तरह से प्रबंध करना है आपको। बिल्कुल, तो ये खरपतवार पर भी आपने बताया और सर पलेवा पर भी आपने यहाँ पर कुछ जानकारी दी है, लेकिन आगे में और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे लिए भी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। आज हम बात कर रहे हैं मूँग और उर्द की खेती के बारे में, यानी इसकी बुआई कैसे करें, और साथ ही जानकारी दे रहे हैं किसान उत्पादक संगठन FPO पर। छोटा सा ब्रेक। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हेलो किसान के साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय के बारे में और फिर से आपको जानकारी दे दें। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन पर और साथ ही कैसे आप कर सकते हैं उर्द और मूंग की इस वक्त बुआई। जो भी आपके सवाल हैं आप हम तक पहुँचाएँ। और इस बीच एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है, वो ले लेते हैं, और ये किसान उत्पादक संगठन से जुड़ा हुआ सवाल है। मनोज है राजस्थान से हमारे एक दर्शक, और ये जानना चाहते हैं FPO में शामिल अगर होना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। डॉक्टर मिश्रा हमारे दर्शक हैं, मनोज राजस्थान से जाना चाहते हैं कि अगर FPO से वो जुड़ना चाहते हैं तो क्या किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की इसमें आवश्यकता होती है या फिर क्या प्रक्रिया होती है। राजकुमार जी सबसे पहले तो स्वागत है। मनोज नाम है सर इनका। और इसमें 3 जो पेपर से या कागजात या रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो आपका आधार कार्ड बहुत जरूरी है। दूसरा आपके नाम पे इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट में आपका मतलब कि जो खतौनी हम कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए, आप साबित करें कि आप किसान हैं और आपके नाम
खेती की जमीन है, तीसरा आपका जो पेपर चाहिए वो, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल किसान को एक अपनी एसेट भी करनी होती है कि आपके पास कितनी जमीन और कितनी जायदाद है, उसके साथ साथ आपके बैंक कार्ड्स, आपका अकाउंट नंबर, किस बैंक का आपका है, आपको आधार सीडेड होना चाहिए। तो ये तीन जो मुख्य पेपर्स हमें इस पे जरूरत होती है जुड़ने के लिए, क्योंकि या तो आप ना एफपीओ खुद बनाएं, उसमें अपने गांव के या पत्ते के 300 मेंबर्स को एकत्रित करें और फिर उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, जिला स्तर की जो कृषि इकाई है, फिर आपका आवेदन राज्य स्तर तो अनुदान प्राप्त करें। अगर आपके आस पड़ोस में ऑलरेडी कोई किसान संगठन इस तरह का काम कर रहा है तो उसके साथ जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि इसमें 300 मेंबर्स मिनिमम है, मैक्सिमम 1000 तक भी जा सकता है। तो अगर आस पड़ोस में कोई किसान उत्पादन संगठन पहले से काम कर रहा है और आप जो फसल खा रखे हैं वो उन्हीं फसलों पे काम कर रहा है, तो मेरी सलाह होगी कि आप उसके साथ जुड़ेंगे तो आपको ज्यादा और उसके लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जी जी सर, एक और एफपीओ से जुड़ा हुआ ही सवाल है, हम ले लेते हैं ये भी साथ साथ में। और ये हमारे दर्शक हैं संजीव कुमार, जिन्होंने दादरी गौतम बुद्ध नगर से सवाल भेजा है। ये कहना चाहते हैं कि एफपीओ के मेंबर को अगर व्यक्तिगत देरी करनी हो तो उसको योजना का लाभ कैसे मिल सकता है। ये मुझे भी ठीक से समझ आया नहीं सवाल, लेकिन इन्होंने पूछा यही है। देखिए, एफपीओ की जो अवधारणा है, जो इसका कंसेप्ट है, उसको संरचना है, वो ये है संगठन की है, ग्रुप में ही मिलके काम करना है। ठीक है, उसमें इंडिविजुअल बेनिफिट तो आता है, लेकिन जो एक्टिविटी है वो इंडिविजुअल नहीं होती। जैसे कि आप अगर एफपीओ से जुड़े हो और सोचें कि एफपीओ के नाम पे इंडिविजुअल कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, जो ग्रुप एक्टिविटी है तो ग्रुप के साथ ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर, एक और हमारे दर्शक हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार उत्तर प्रदेश से, आइए उनका हम सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। जी सर नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या जानना चाहते हैं सर आप। ये जो मूंग और मसूर की जो इसमें है, वो गन्ने के साथ अगर हम सब्जी लगाते हैं, अगर हम रबी की फसल से गन्ना लगाते हैं, बीच में 4 फीट का जगह होता है, ठीक है, जो कम वैरायटी की ग्रेड में, ठीक है। आप आपका जो सवाल है सर उसी से जुड़ा हुआ मेरा भी एक सवाल है, साथ ही में ले लेते हैं। तो फसलों में अंतर्वर्ती फसल के रूप में इसे कैसे उगाया जा सकता है और किन किन फसलों के बीच में इसे लिया जा सकता है, गन्ने के बारे में उन्होंने पूछा ही है। जी आपने गन्ना कितनी दूरी पे लगाया है? 4 फीट में सकते हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पे आप उसमें जो है वो अंतर्वर्ती मूंग या उड़द अपनी च्वाइस का लगा सकते हैं, और इसमें आपको एक्स्ट्रा आमदनी भी मिलेगी, मिट्टी में खरपतवार कम आएंगे और ज़मीन का सही सही उपयोग होगा। अगर आप शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहाँ से बोल रहे हैं सर? कुशीनगर से हैं सर। कुशीनगर ईस्टर्न यूपी से है, इसका मतलब तो आपके लिए PDM 54, PDM 11, UPM 92-1, मेहा TMB 37, HUM 16 और नरेंद्र मूंग 1, कई सारी मूंग की किस्में हैं जिनको आप लगा सकते हैं। और इसमें आपको शुरू में ध्यान रखना पड़ेगा कि खेत में नमी ठीक से होनी चाहिए जब आप मूंग की बुआई करेंगे। जी जी बिल्कुल, नमी बिल्कुल ठीक से रखें आप। अच्छा सर, अब बीजों के चुनाव पर हम बात कर लेते हैं कि बीजों का चुनाव किस प्रकार से करें। बीज किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वस्थ बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। अगर स्वस्थ बीज होगा तभी हमें स्वस्थ पौध मिलेगी। कई बार कटे फटे बीज मिल जाते हैं और उनमें शिवड़ दाने, सिकड़े हुए दाने होते हैं, ऐसे दाने नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ बीज के अंदर खरपतवारों के बीज, धूल या अन्य प्रकार की जो गंदगी उसके अंदर बीज के अंदर होती है, वो सब नहीं होना चाहिए। आपको चेक कर लेना चाहिए कि बीज को कहीं कीड़ों ने तो नहीं खा रखा, कभी घुना हुआ बीज आप प्रयोग में ला रहे हैं, उसकी भी जांच कर लें। बड़ा आसान तरीका होता है, एक आप मिट्टी का चिराग ले सकते हैं, उसमें 10 दाने डाल दें अपनी फसल के, और उसमें हल्का सा पानी छिड़क दें उसमें,
तो दो चार दिन के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि 10 में से कितने दाने जमे। अगर 7-8 दाने जम जाते हैं तो आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि बीज अच्छा है। और इस तरीके से जो अधिकृत स्रोत हैं उन्हीं से आपको बीज लेना है। उपचारित बीज वो देते हैं मोटे तौर पे, अगर नहीं देते हैं तो जो बताई गई विधि है उससे आपको बीज का उपचार करना है। सर एक सवाल आपके विषय से जुड़ा हुआ है, जितेंद्र सिंह है और ये लखीमपुर खीरी से हैं, उत्तर प्रदेश से। ये मूंग की खेती के लिए उपयुक्त बीज के बारे में, सीड्स के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी, देखिए इनका मोटा मोटा सवाल यही है कि ये किस में जानना चाहते हैं मूंग की। तो लखीमपुर आप एक तरह से सेंट्रल यूपी में मान सकते हैं, तो इसके लिए आपकी वही किस्में हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हैं। मूंग की किस्में PDM 54, PDM 11, UPM 92, HUM 12, मेहा और TMB 37, HUM 16 और नरेंद्र मूंग 1, ये आपकी किस्में। इन किस्मों को आप ले सकते हैं। लखीमपुर खीरी अगर आपके यहाँ आसपास कोई राष्ट्रीय बीज निगम का आउटलेट हो, कोई वहाँ पे बीज देते हो, वहाँ से ले सकते हैं। आप पता लगा लीजिए कि राष्ट्रीय बीज निगम का जो केंद्र है वो कहाँ पे है। अगर नहीं तो आप पंतनगर विश्वविद्यालय जा सकते हैं, वहाँ से आपको मूंग और यहाँ तक कि उड़द का भी बीज मिल सकता है। लेकिन पहले आप जानकारी ले लें कि क्या पंतनगर विश्वविद्यालय में आपको मूंग का और उड़द का बीज उपलब्ध है। वहाँ की इंक्वायरी से आप पता कर सकते हैं, वहाँ से बीज ला के आप बुआई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आइए अब हम FPO पर बात कर लेते हैं। सर जैसा कि हमारे दर्शक जानना चाहते थे कि गठन किस प्रकार से हुई और कैसे इसके मेंबर बने, ये भी हमने जाना। अब इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि जो ये FPO है और इसके जो मेंबर्स हैं वो निरंतर बने रहें, संगठित रहें, तो इसके लिए कोई किस तरह की प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, क्या कोई इसमें बोर्ड मेंबर्स भी होते हैं, किस तरीके से ये पूरा काम होता है सर? एक बार जब FPO का गठन शुरू किया जाता है तो सबसे पहले तो मेंबरशिप ड्राइव होती है, 300 मेंबर बना लिया जी। उसके बाद फिर उन्हीं मेंबर्स में से एक FPO का डायरेक्टर चुना जाता है और सारी प्रक्रिया डेमोक्रेटिक है। इसमें जो मेंबर्स की आम राय बनेगी या जिसको सबसे ज्यादा मेंबर्स सपोर्ट करेंगे वो उसका डायरेक्टर चुना जाता है। कई FPO जिनका कमर्शियल ट्रांजैक्शन या कमर्शियल एक्टिविटी पहले बढ़ जाती है तो वो फिर अपना एक CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो भी नियुक्त कर लेते हैं, जो नॉर्मली जिसका काम होता है कि उस FPO का बिजनेस बढ़ाना और उसको मार्केट के साथ इंटीग्रेट करना और उसको सस्टेनेबल बनाना। तो CEO का अपॉइंटमेंट भी कई बार बड़ी और सबसे भूमिका है वो मेंबर्स की है कि वो जिस भी फसल के लिए या जिस कमोडिटी के लिए वो FPO बना हुआ है उसका एक ट्रेडमार्क भी धीरे-धीरे जैसे जैसे उसका बिजनेस प्रोपोजिशन बनता है तो उसके अपने FPO की जो ट्रेडमार्क ले ले जो उसका भी एक अद्भुत उसकी लाइन है तो अडॉप्ट के आप अपने FPO के लिए कर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर जो भी आपके उस FPO द्वारा उसके द्वारा जो प्रोड्यूस उत्पन्न किया जाएगा उस पर एक लेवल लगेगा कि जैसे सह्याद्री का जो ट्रेडमार्क है या मकर ट्रेडमार्क है या इतना तब के अपने ट्रेडमार्क है तो बाजार में जब आप एंट्री करेंगे तो आपके अपने प्रोडक्ट की और उस FPO की पहचान और ट्रेडमार्क जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी एग्रीगेशन करे जी वो बना रहे और की क्वालिटी पे आप फेस फोकस रखे क्योंकि आपकी उपस्थिति और आपकी उपस्थिति बाजार में निरंतर होनी चाहिए जी। अगर ये तो उसको सस्टेनेबल बनाना है तो आपकी फसल या आपका उत्पाद
बाजार के ग्राहकों तक या जो बाजार के बड़े प्लेयर्स हैं उन तक अंतर पहुंचना चाहिए, जिससे और आपकी जो कंज्यूमर्स की डिमांड है उसको पता करने के लिए आप तत्पर दिखाई पड़े तो आपको ज्यादा अच्छा अनुभव भी मिलेगा और इसके फायदे भी। ठीक है सर, एक हमारे पास कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये सुखबीर सिंह हैं जिन्होंने पंजाब से फ़ोन लगाया है। सुखबीर सिंह जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। नमस्कार सर। हेलो जी। हेलो हेलो सुखबीर जी। जी जी सुन रहे हैं सुखबीर जी, मैं आपको सवाल बताइए। हमारे खेत में चूहा बहुत ज़्यादा है जी, आपके यहाँ तो पंजाब में इस समय गेहूं लगा होगा और गेहूं में भी चूहे आते हैं और ये किसी भी स्थिति में आ जाते हैं और खास करके जब बालियां बन रही होती हैं और उनका विकास हो रहा होता है धानों का तब ज्यादा आते हैं और कई बार ये बालियां काट काट के और अपने जो सुराख होते हैं, जो घर होते हैं, इनके टनल होती है उसके अंदर ले जाके इकट्ठे कर लेते हैं और कई बार भारी नुकसान होता है। इसके कई तरीके के उपाय हैं जो किसान भाई अपना सकते हैं। एक तो धुआं कर सकते हैं, अंदर कोई मशीन आती है जिससे धुआं होता है, चारों तरफ से इसकी जो टनल्स हैं जो घर हैं इनके उनको बंद कर दें। इसके अलावा पॉइजन बेड्स भी आप बना सकते हैं, जो पॉइजन बेड्स है उसको बना सकते हैं। उसमें आपको ये जो जिंक फास्फाइड होता है उसको लेना होता है और उसकी एक निश्चित अनुपात में आटा लेके तेल लेके और आप गोलियां बना लें और गोलियां बना के इसकी विधि आप अच्छे से जानकारी ले लें और फिर वहां रख दें और चूहे जो हैं आपके उन गोलियों को खाने के बाद मर जाएंगे। तो मोटे तौर पे आपको जिंक फास्फाइड का प्रयोग करना है जिससे कि इन चूहों को आप रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। अब सर हम जैसे हमने प्रजातियों पर बात कर ली और जो मूंग उड़द की बुआई से जुड़ी हम कई बातें जो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहे लोगों के साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान, आज हम बात कर रहे हैं मूंग और उर्द पर, कैसे इसकी ग्रीष्मकालीन फसल जो है उसकी बुआई करें। साथ ही हम एफपीओ से जुड़ी हुई जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, बात करें हमारे विशेषज्ञ से, जाने अपनी समस्याओं का समाधान, अपने सवालों का जवाब। आइए अब चलते हैं डॉक्टर मिश्रा के पास। सर मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो एफपीओ है उसकी सरकार की तरफ से किस तरह की हैंड होल्डिंग रहती है, चाहे उसकी फंक्शनिंग की बात करें तो वो सुचारू रूप से चलती रहे, किस तरह का सपोर्ट रहता है? देखो जैसा मैंने बताया कि एसएफएससी के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से की हैंड होल्डिंग होती है फाइनेंशियल के रूप में और वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए। जो टेक्निकल बैक स्टाफिंग होती है वो हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सारे सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हम दोबारा आपके पास आएंगे। और आज जो हम बात कर रहे हैं
उर्द और मूंग पर, उस पर हम बातचीत कर लेते हैं सर। अब आप जानना चाहेंगे आपसे कि पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरीके से इन दोनों ही फसलों में किया जाए। बिल्कुल, जैसा कि किसान भाई जानते हैं, उर्द और मूंग दलहनी फसलें हैं। ये काफ़ी मात्रा में अपनी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर लेती हैं। जो हवा में नाइट्रोजन होती है उसको ये अपनी जड़ों में संग्रहित कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। कुदरत ने इनको ये चीज़ दी हुई है, तो इनको नाइट्रोजन की काफ़ी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई के समय डालनी होती है। फास्फोरस की निश्चित तौर पर इन्हें ज़रूरत ज़्यादा होती है, करीब करीब 35-40 किलोग्राम फास्फोरस P2O5 के रूप में प्रति हेक्टर के हिसाब से देना पड़ता है। या मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि 100 kg DAP, 100 किलोग्राम DAP अगर आप प्रति हेक्टर के हिसाब से डाल देते हैं तो उससे आवश्यकता के मुताबिक नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा मिल जाती है। इसके अलावा आप पोटाश का भी प्रयोग करें, इसमें 35 से 40 किलोग्राम पोटाश K2O प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई के समय प्रयोग करना। ये जो समस्त उर्वरक हैं बुआई के समय आप खेत में डालें। साथ ही साथ इसके अलावा गंधक की भी रिस्पॉन्स आजकल दालों में आ रही है। किसान भाइयों, गंधक की मात्रा 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बताई जाती है। इसके लिए आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। जिप्सम भी एक तरह का उर्वरक होता है, सस्ता मिलता है, और गंधक इससे बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है। तो आप 100 किलोग्राम 150 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं अगर गंधक की कमी है, क्योंकि गंधक से आपका जो दाना है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, पैदावार बढ़ती है। तो इस तरह से आप उर्वरक प्रबंधन इन फसलों में कर सकते हैं। जी, एक सवाल है FPO से जुड़ा हुआ, वो ले लेते हैं। संतोष हैं गुजरात से हमारे दर्शक, और ये जानना चाहते हैं FPO के लिए हाउ टू गेट रजिस्टर्ड, मतलब किस तरीके से पंजीकरण कराएं, इससे खेती में किसानों को किस किस तरह के लाभ मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले भी बताया कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए ये आवश्यक है कि आप जो भी FPO का गठन करना चाहते हैं उसमें 300 मेंबर आपको पहले बनाना पड़ेगा, और वो मेंबर्स हर मेंबर 2000 रुपए की एक उसमें कंट्रीब्यूशन करता है, तो आपके पास 6 लाख रुपए का एक राशि एकत्रित हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने 300 मेंबर बना लिए, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उनके आधार कार्ड हैं, उनके लैंड रिकॉर्ड्स के पेपर्स हैं और उनके बैंक अकाउंट्स के डिटेल हैं, तो सारे वो फिर उसको पूरा करके जिला कृषि अधिकारी के यहाँ आप संपर्क करें, और फिर वो आपका एप्लीकेशन राज्य के स्तर पर जाएगा, और वहाँ पे जो संस्था है इस FPO को नार्कली स्टेट लेवल स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्सिया होती है, वो फिर आपके रजिस्ट्रेशन में मदद करेगी। और इसके फायदे को मैंने पहले भी बताया कि चाहे वो इनपुट की कास्ट रिडक्शन में इसका फायदा है, जब आप इनपुट खरीदेंगे तो वो आपको पर यूनिट की कास्ट कमी आएगी। इसी तरह जब अपने प्रोडक्ट को 300-400 किसानों एकत्रित करेंगे तो आपके पास जो साइज ऑफ प्रोड्यूस होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि आप मार्केट में बड़े जो व्यापारी हैं उनके साथ बार्गेन कर सकते हैं, उनके साथ ट्रांजैक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, आप अपना प्राइस खुद भी निर्धारित कर सकते हैं। तो चाहे वो कास्ट रिडक्शन हो या इनपुट एकत्र करना हो या आपको मार्केट में उसकी सेल करनी हो या किसी प्रोसेसर से आपको उसमें कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन करना है, तो दोनों तरफ से वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में FPO की एक बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत बड़ा इससे किसानों को जो उसके मेंबर फार्मर्स हैं उनको फायदा हो सके। जी बिल्कुल, और यही मकसद भी है इस प्रयास का कि FPO बने, किसान संगठित हो, छोटे किसानों को लाभ हो, और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है जैसा कि हमें आपने भी बताया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, व्हाट्सएप सवाल लिए, कॉल्स के भी जवाब दिए आपने, और FPO पर इतनी विस्तृत चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सर जैसा कि पोषक तत्वों के बारे में हमने बात कर ली है, दो हमारे भी और विषय रह गया जिसमें खरपतवार नियंत्रण है और साथ ही सिंचाई प्रबंधन, इन दोनों फसलों में कम शब्दों में। जी बिल्कुल, सिंचाई प्रबंधन के लिए आपको शुरू में जैसे बताया गया पलेवा जरूरी है, इसके बाद
पहली सिंचाई, क्योंकि गर्मियों के महीने में आपका मई और जून में बरसात ना के बराबर होती है, तो सिंचाई का प्रबंध तो होना ही चाहिए। आपको पानी तो इन फसलों में लगाना ही पड़ेगा, खास करके पहला पानी आप 25 से 30 दिन के आसपास लगाएं, दूसरा पानी 45-50 दिन पे लगाएं, और यही दो पानी मोटे तौर पे इसमें लगाए जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी धन्यवाद। दोनों फसलों पर इतनी विशेष जानकारी आपने दी, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि किसानों का अवश्य इससे लाभ होगा। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना है, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। अगले अंक का हमारा विषय है मोटे अनाज की खेती, और हम साथ ही बात करेंगे गन्ना उत्पादन तकनीक पर भी। आपके जो भी सवाल हैं, आप हमें चाहे तो एडवांस में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमारे कॉल सेंटर नंबर यानी हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएँ। और चलते चलते एक और जानकारी दे दें, हेलो किसान कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और आप सीधा पहुंच जाएंगे YouTube के हेलो किसान कार्यक्रम पर। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।